मेघालय टूर में सबसे अमेजिंग चीज अगर वादियों के अलावा बात की जाए तो वो है बजट। क्योंकि हम सितंबर में गए थे जिसे ऑफ सीजन कहा जाता है, तो हमें इसी का बहुत बड़ा फायदा मिला और हमने सबसे कम बजट में इस टूर को कंप्लीट किया। अब आपके एक आइडिए के लिए बता दूं तो हम 2 दिन मेघालय में रुके थे, जिसमें हमारा पहला स्टे मेलोंग विलेज में। अब मेलोंग विलेज से शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है, जहां हमें मात्र 500 रुपए में रूम मिल गया। और चेरापूंजी, जहां हमारे दूसरे दिन का स्टे था, वहां तो मात्र 150 रुपए में डोरमेट्री। अब पूरा बजट जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तक के व्लॉग में आपने देखा हमने अपनी राइड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया में एंड करी। आगे घर है, घर है, अरे वो बम्बू वाले उसमें पूछ लेते ना। अब ये कितना क्लीन है ये तो आपको कल पता चलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 15 ऑफ ऑल इंडिया राइड ऑन स्पोर्ट्स बाइक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सेमी व्यू ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। ये हमारी बाइक रात भर बारिश में खड़ी थी, शायद पूरी भीग गई हो, शायद थोड़ी बची हो, बस हमने कवर तो किया है। चलिए आपको दिखाते हैं क्लीनेस्ट सिटी के नज़ारे। यहाँ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने दी हैं आपको, उसको ज़रूर से देखिएगा अगर आप मेघालय टूर पे आ रहे हैं और क्लीनेस्ट सिटी में रुकने का प्लान करते हैं। तो भैया जी, अब जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए क्लीनेस्ट सिटी को। रुकने का नाम ले रही है तो पैक हो चुके हैं पूरा। ये हमारे सर जी, कैसा है ये क्लीनेस्ट सिटी? सचमुच कचरा नहीं मिलता या छिपा रखा है इन्होंने कोने अतरे? आज मैं आपको क्लीनेस्ट विलेज तो घुमाने ही वाला हूँ, बट बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं यहाँ कचरा ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि इस जगह की कुछ बातें हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी। मेलोंग जो शिलोंग से 90 किलोमीटर की दूरी और बांग्लादेश के बॉर्डर पर खासी ट्राइब के लोगों का गाँव है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय खेती है। और आपको पता है ये लोग किस चीज की खेती करते हैं? बीटल नट, मतलब की सुपारी, जो यहाँ की सबसे पॉपुलर फसल है। सुपारी जो पान में डाल के खाई जाती है। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, अब अगर मेरे व्लॉग से आपको घूमने के साथ साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी जानने के लिए मिलता है तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके थोड़ी सी हौसला अफजाई करें मेरी। और ये गांव एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि अगर हम भी चाहें तो अपने घर और आसपास की जगहों को साफ रख सकते हैं। आपको क्या लगता है ये गाँव किस वजह से एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि शायद ये लोग गवर्नमेंट के भरोसे ना रहकर खुद को जिम्मेदार मानते हैं अपनी गांव की तरक्की, उन्नति और सभी लोगों के विकास के लिए। तभी तो यहाँ पे हर एक औरत, हर एक आदमी और हर एक बच्ची की जिम्मेदारी है अपने गांव को साफ रखने की। अब पूरा गांव घूमने के बाद हमें क्लीनिनेस तो हर जगह देखने को मिली, साथ में हमें बहुत ही प्यारे प्यारे चर्चेस भी देखने को मिले यहाँ पे। लेकिन यहाँ का शो स्टीलर पता ही क्या है? यहाँ के ट्री हाउसेस। क्योंकि ये गांव जितना नीचे से खूबसूरत आपको देखने में लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये ऊपर से देखने में लगता है, और वो देखने को मिलेगा आपको इन ट्री हाउसेस की मदद से। तो हम लोगों ने भी बड़ी मेहनत के साथ एक ट्री हाउस पे चढ़ के एंजॉय किया इस पूरे गांव के व्यू को। स्काई व्यू पॉइंट है जो कि बांस से पूरा बना रखा है इन्होंने। 2 पेड़ों के ऊपर हैं अभी हम, और यहाँ से नज़ारे कमाल के हैं भाई। ये देखिए हमारे सर फोटो खिंचवा रहे हैं। गांव का पूरा गांव यहाँ से दिखेगा आपको, क्लीन सिटी ऑफ एशिया।
कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आपके रिव्यू का। कैसा लगा आपको ये क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, कमेंट में जरूर बताएं। अब हमें निकलना था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चेरापूंजी के लिए, लेकिन उससे पहले एक और अजूबा देखना बाकी है, लिविंग रूट ब्रिज। सच सच बताइए, आपके मन में ये शब्द सुनने के बाद कैसी फोटो आती है? बिल्कुल ऐसी ही क्या? जब मैंने भी पहली बार रूट ब्रिज का नाम सुना था तो मेरे मन में भी बिल्कुल ऐसी ही फोटो आई थी। मुझे बस यही लगा था कि लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लिविंग रूट ब्रिज बोल रहे हैं इसको। लेकिन जब मैं रियलिटी में देखने पहुंचा ना तो सन्न रह गया भाई साहब, इतना कमाल की कारीगरी, वाह। बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी है, रूट ब्रिज का रास्ता इधर से है। चलिए चलते हैं फटाफट से, घूम के हमें चेरापूंजी भी निकलना। हेलो ब्रो, ओ माय गॉड, दिस इज द सीनिक रूट ब्रिज। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये गांव के लोगों ने इस लिविंग ब्रिज को बनाया कैसे। बड़े बड़े आर्किटेक्चर फेल हो जाएं भाई साहब ऐसी कारीगरी के लिए तो, और ये गांव के कम पढ़े लिखे लोगों ने इतना बढ़िया रूट ब्रिज बना दिया है। मतलब आप देखिए इसको, अंदर से चलने में ये बिल्कुल ब्रिज की तरह लग रहा है, बाहर से देखने में इतना स्टनिंग। सच में यहाँ के बाद मेरी मेघालय को लेके ख्यालात ही बदल गए। आप भी जब भी मेघालय आए तो यहाँ के लोकल लोगों से पूछ के यहाँ के हर एक गांव को एक्सप्लोर करो भाई। यहाँ अलग अलग गांव अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। विसलिंग विलेज भी है भाई साहब यहाँ पे, जहां विसल से बुलाए जाते हैं लोगों के नाम। जहां बातें भी विसल में होती हैं। और अब ये रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज, ऐसा ब्रिज तो सीमेंट वाला नहीं होगा जितना बढ़िया ये है। डिजाइन देखिए आप, नक्काशी देखिए इसकी। गांव वालों ने पेड़ पौधों और जड़ों से इसको सींच के बनाया है, बताइए। सच में मेघालय के हर गांव को, हर एक जगह को अजूबा बोलना चाहिए यार। तो आप कब प्लान बना रहे हो अपनी फैमिली के साथ मेघालय घूमने का? सच में पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट पार्ट अभी तक की ट्रिप में, मुझे ये तो पता चल गया। अब इन्हीं सब अजूबों को देखते देखते हम पहुंच गए चेरापूंजी। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ऑफ सीजन चल रहा है तो पूरे रास्ते पूरी ट्रिप में बारिश बारिश बारिश, लेकिन ऐसी बारिश में इतने मजे मैंने आज तक नहीं लिए। सच में मेरा बचपन से सपना था बाइक पे बारिश में घूमने का। और अगर आपका भी ये सपना है तो सच में आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन मेघालय है।
है जी, ये है हमारी डोरमेट्री, खाली है, कोई है नहीं। और ये हमारी बाइक है, सामान सारा अनलोड करेंगे यहाँ से और रख देंगे बेड के नीचे, क्योंकि दो दिन यहाँ हॉल्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। चलिए जल्दी से सामान ट्रांसफर करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और डोरमेट्री तो बस नाम की थी भाई साहब, यहाँ सिर्फ हम थे और हमारे अलावा पूरी डोरमेट्री में कोई भी नहीं। बस फिर क्या, हमने सारा सामान डोरमेट्री में डाला और जल्दी से चले गए सेवन सिस्टर्स फॉल देखने के लिए। लेकिन अगर ऐसे मौसम में आपको सेवन सिस्टर फॉल क्लियरली दिख जाए तो वो आपके लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी भाई साहब। बस फिर क्या, 3-4 राउंड लगाए, दुकानदारों से दोस्ती की, सबको अपने नंबर बांटे कि जैसे ही क्लियर व्यू दिखे हमें फोन करें। चलिए तब सुबह 6 बजे आए, 6:30 बजे आए, हम यहीं रह रहे हैं बिल्कुल बगल में। हा? जितने बजे आप बोलोगे उतने बजे आ जाएंगे। हम तो ऊपर हैं। कितने बजे आए कि दिख जाएगा, मतलब 6:30 के बाद में। चलिए तो सुबह सुबह बोला भैया ने, सुबह 6 बजे 6:30 बजे आइए तो आपको शायद फॉल्स दिख जाए। तो चलिए चलते हैं, सुबह आराम करते हैं, आज सुबह ही आएंगे 6:30 बजे, सामान वामान लोड करके फिर यहीं से निकल जाएंगे अपना, है ना भैया। तो भैया जी फॉग आ चुका है पूरा, फिर से 10 मिनट वेट करेंगे, पूरा फॉग देखे आ रहा है, वही है सामने सेवन सिस्टर फॉल, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए बिल्कुल ही धुंध हो गया, कोहरा ही कोहरा, ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं चाय पीने तक में, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मौसम। धूप तो हल्की हल्की आ चुकी है, अब ये बस बादल छट जाए। राम सर ने बोला है पेशेंस, तो हम पेशेंस रखे हुए हैं, क्यों सर जी। देखिए धूप तो आ गई है, गर्मी लगने लगी है, अब चाय पी ही ली है, बस अब इंतजार कर रहे हैं। और इतनी सारी मेहनत के बाद हमें देखने को मिला कुछ ऐसा नजारा। मेरे सुपने ची आंदी कुड़िये, जद अखा नी मैं करा बंद नी, तेरी सहेली भी आ मेरे नालो भाड़ी इंप्रेस, दस करानी मैं उनू कॉल नी, तेरे लारे 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 लाने मैनू नी पसंद, लारे 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 लाने मैनू नी पसंद, करा पेशी तेरी कोट विच नी, तेरे मापे नाल वद तेनू प्यार करूं इक बारी हां करनी, तू लारे छड हां करनी, विआह दे लई हां करनी, तेरा चाचा कुड़े मेरे नाल पैग मारदा, तेरा बाई मैनू बीरा बीरा कह के आखदा, कर जी ना विआह किसे होर ना, अग ला दू तेरा करे मेरे यार ना, तेरा फोन कुड़े टुट जाऊ आज, जे तू मेरा ना उठाया कॉल नी, जे तू मेरा ना उठाया कॉल नी, तेरे मापे नाल वद तेनू प्यार करूं इक वारी हां करनी, तू लारे छड हां करनी, सच में जब मेहनत करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाए ना, ये अचीवमेंट बहुत कमाल की फील होती है। वो ओम शांति ओम का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। अब हमने इतनी सारी मेमोरीज बना ही ली थी तो अपने कुछ नए दोस्तों के साथ आज की शाम पार्टी करने का भी प्रोग्राम कर लिया। अरे हाँ, आपको इन दोस्तों से मिलवाना तो भूल ही गए। अजय सर, ये नेगी सर, इनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सर क्या नाम है आपका? नाम है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह। रामवीर। रामवीर सर हैं, अजय सर हैं और ये नेगी सर हैं।
और ये महादेव है, सबका बेड़ा पार यही लगाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने किसी एक दोस्त को शेयर करें और इस इंडिया राइड की जर्नी में मेरा साथ देने के लिए मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।